देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। इंदौर के आईटी पार्क के सामने कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में 24 जनवरी को प्रति रविवार को कृषि विस्तार संस्थान राज्य स्तर के सहयोग से 40 प्रतिभागियों को खाद बीज कीटनाशक इनपुट डीलरों में 48 सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए कृषि विभाग के सहायक संचालक गोपेश पाठक ने बताया कि कार्यक्रम के तहत खाद बीज व कीटनाशक इनपुट डीलर को 48 सप्ताह तक प्रति रविवार को क्लास लगाई जाएगी, जहाँ से उन्हें तकनीकी ज्ञान, कृषि कानून सहित संबंधित तमाम तरह के प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगामी 24 जनवरी 2021 से शुरू हुए प्रशिक्षण दौरान सभी को फील्ड विजिट कराई जाएगी। सभी की परीक्षाएँ होगी, जहाँ हैदराबाद की संस्थान द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा, जिनके आधार पर प्रतिभागी कृषि संबंधित कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। सर, मैंने हैदराबाद और सीएट जो भोपाल जो कृषि विस्तार संस्थान जो राज्य स्तर का है, उनके सहयोग से हमारे ज़िले में देसी एक कार्यक्रम है, जिसके तहत जो इनपुट डीलर हैं, खाद बीज कीटनाशक के इनपुट डीलर हैं, उनको उनके लाइसेंस बने रहे, उनको तकनीकी ज्ञान के लिए एक 48 सप्ताह का, जिसमें प्रति रविवार क्लास रहेगी और उसमें कृषि से संबंधित और बीज खाद कीटनाशक के जो कानून हैं उनसे संबंधित उनको वहां पर ज्ञान, तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए इंदौर ज़िले का 6वां जो बैच है वो 24 तारीख रविवार से शुरू होगा। इसमें 10:30 से 5 बजे तक 40 प्रतिभागी, जिनका के चयन किया गया है, 40 प्रतिभागियों की ये क्लास रहेगी और 48 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके उपरांत इनकी समय समय पर इनको फील्ड विजिट कराई जाएंगी। फील्ड विजिट के साथ में जब इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैंने हैदराबाद के द्वारा इनकी एक परीक्षा का आयोजन होगा और सफल जो परीक्षार्थी होंगे, परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे, उन परीक्षार्थियों को मैंने हैदराबाद के द्वारा एक डिप्लोमा कोर्स का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ये चाहें तो खाद बीज कीटनाशक का लाइसेंस भी ये प्रतिभागी ले सकते हैं। किसानों को, क्योंकि सभी जो कृषि से संबंधित तकनीकी ज्ञान है वो सब इनको दिया जाएगा, तो किसानों को भी अपने तकनीकी ज्ञान देंगे। और इस तरह से हमारे पास में 40 प्रतिभागी जो ले रहे हैं वो जिले के इंदौर, महू, देपालपुर और सांवेर सभी क्षेत्रों के विभिन्न गांवों से संबंधित, इसमें 10वीं पास इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसमें बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।